पीएम किसान सम्मान निधि के तहत जो पैसे किसानों को दिए जाएंगे उसकी पाई पाई केंद्र में बैठी हुई मोदी सरकार की तरफ से दी जाएगी। आज रात 12 बजे से। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, स्वागत करते हैं ताजा न्यूज चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के मुख्य समाचार। देश में फैला कोरोना का नया वेरिएंट फिर से पहले है जैसे लागू होगा लॉकडाउन, जनवरी के इसी हफ्ते में आ सकती है नई लहर। जी हां दोस्तों, दरअसल एक्सपर्ट्स की ओर से देश के कई राज्यों को लेकर चेतावनी दे दी गई है जिसमें पहले जैसे ही एक बार फिर से लागू हो सकता है लॉकडाउन, फिर से आ सकती है कोरोना की नई लहर। कौन कौन से राज्यों को लेकर चेतावनी दी गई है अभी हम आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के बाद अब महंगी हुई सीएनजी, जानिए कितने रुपए तक बढ़े दाम। जी हां दरअसल दोस्तों अभी की बड़ी खबर आ रही है, रसोई गैस सिलेंडर के बाद अब सीएनजी गैस भी महंगी हो चुकी है। तो कितने रुपए तक दाम बढ़े हैं अभी हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट बताएंगे दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गरीब परिवारों के पास रहने के लिए नहीं है घर तो अब सरकार उन्हें देगी मुफ्त जमीन, आधार कार्ड राशन कार्ड दिखाकर मिलेगा प्लॉट। दरअसल दोस्तों सरकार की ओर से अभी राशन कार्ड और आधार कार्ड धारकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो किन गरीब परिवारों को सरकार जो है रहने के लिए जिन जमीन देने वाली है अभी हम आपको इसकी पूरी खबर बताएंगे दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास है राशन कार्ड तो अब सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा गैस सिलेंडर, सरकार ने की है बड़ी घोषणा। तो किन राशन कार्ड धारकों को सरकार सिर्फ 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने वाली है अभी आपको इसकी हम पूरी खबर बताएंगे दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक में अगर आपका भी है खाता तो बैंक ने दिया ये जरूरी अपडेट, जान ले वरना बंद हो जाएगा आपका खाता। दरअसल दोस्तों अभी सरकार की ओर से साथ ही एक सरकारी बैंक की ओर से खबर आ रही है तो किस बैंक ने अभी अपने ग्राहकों को जो है बड़ा अलर्ट दे दिया है इसकी पूरी रिपोर्ट पूरी खबर दोस्तों इस वीडियो में जानने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार सस्ते में मिल रहा सोना, जल्द खरीदें वरना हाथ से निकल जाएगा मौका। दरअसल अगर आप यहां पर सोना खरीदना चाहते हैं तो अब आपको यहां पर जो है बेहद ही सस्ते में सोना मिल रहा है, कीमतों में बड़ी गिरावट आ चुकी है। तो कितने रुपए तक की कीमतों में गिरावट आई है अभी हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट बताएंगे दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार फ्री में दे रही साइकिल, ऐसे उठाएं योगी फ्री साइकिल सहायता योजना का लाभ, मिलेगा बम्पर फायदा। दरअसल अगर आप भी यहां पर गरीब हैं और आपके घरों में यहां पर कहीं आने जाने के लिए साइकिल की दिक्कत होती है तो अब सरकार आपको साइकिल देने वाली है। तो कौन से सरकार साइकिल आपको देने वाली है अभी आपको पूरी रिपोर्ट बताएंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली विभाग अब पुराने मीटर लगाकर देगा बिजली का नया कनेक्शन, आदेश हुआ जारी, यह है वजह। दरअसल दोस्तों आज की बड़ी खबर आ रही है जिसमें अगर आपके घरों में बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है तो अब आपके घरों में पुराना बिजली मीटर लगाकर मिलेगा अब नया कनेक्शन, अभी हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट पूरी खबर जानने वाले हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्कूल कॉलेज को लेकर रेड अलर्ट, देश के इन राज्य में बंद रहेंगे स्कूल, साथ ही कोरोना को लेकर जारी हुआ अलर्ट, मास्क नहीं लगाने वालों पर अब होगी कार्रवाई। कहां पर स्कूलों को और कॉलेजों को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है अभी हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट पूरी खबर जानने वाले हैं भाइयों बहनों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे का ऐलान, अब अगर लेट हुई ट्रेन तो रेलवे देगा मुफ्त में खाना, टिकट कैंसिल करने पर मिलेगा पूरा पैसा वापस, जान लीजिए कहाँ। दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर ट्रेनों में सफर करते हैं तो किस प्रकार से आखिरकार कौन से रेलवे जोन की ओर से ये जो है बड़ी अपडेट दी गई है अभी हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट बताने वाले हैं दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशी से उछल पड़े किसान, सरकार इस दिन खाते में डालेगी 13वीं किस्त का पैसा, ईकेवाईसी नहीं करवाने वाले हो जाएंगे बाहर। दरअसल अगर आप भी किसान हैं तो सरकार करोड़ों किसानों के खाते में 13वीं किस्त का पैसा भेजने की तारीख बता दी है, तो किस दिन आपके खाते में पैसा आने वाला है अभी हम आपको इसकी पूरी खबर जानने वाले हैं दोस्तों। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो 51,000 रुपए वाला फोन मिल रहा है बिल्कुल फ्री, लेकिन जान लीजिए पहले ये शर्त। दोस्तों अगर आप भी यहां पर सस्ते में कोई फोन लेना चाहते हैं तो आपको यहां पर 51,000 रुपए में जो फोन मिलता है वो बेहद ही फ्री में या फिर बेहद ही सस्ते में मिल रहा है, तो किन किन लोगों को मिल रहा है अभी हम आपको इसकी पूरी रिपोर्ट बताएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी खबरों की जानकारियां जानते हैं, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो बनाने में हमें काफ़ी मेहनत लगती है, इसीलिए दोस्तों वीडियो पर लाइक करिए, छोटा सा कमेंट बॉक्स में अपने राज्य का नाम बताइए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो दरअसल दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर आ रही है, देश में पसरा कोरोना का नया खौफ, जनवरी महीने के इसी हफ्ते आ सकती है नई लहर, जारी हुई चेतावनी। भाइयों बहनों कोरोना महामारी पर एक बार फिर से हाहाकार मच गया है, देश और दुनिया में यहां पर कोरोना के मामलों को लेकर फिर से अब यहां पर सरकारें अलर्ट हो गई हैं। भारत में भले ही अभी कोरोना का वो भयावह रूप नहीं दिख रहा है लेकिन इसी बीच कोरोना को लेकर वैज्ञानिक, चिकित्सा अधिकारी और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स की ओर से चौथी लहर की चेतावनी दे दी गई है। जी हाँ दोस्तों, पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे भारत में यहाँ पर कोरोना के मामलों में फिर से तेजी आई है, 133 नए मामले पूरे भारत में फिर से पाए गए हैं, जिसके चलते कोरोना की इस नई लहर को लेकर जनवरी महीने में एक बार फिर से चेतावनी दे दी गई है।
तो आपको भी कोरोना के नियमों का फिर से पालन करना शुरू कर देना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के बाद अब महंगी हुई सीएनजी गैस, जानिए कितने रुपए तक बढ़े दाम। जी हां दरअसल दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर के बाद अब सीएनजी गैस भी महंगी हो चुकी है। 5% तक के इसके दामों में इजाफा हो गया है। अभी कुछ ही दिनों पहले यहां पर नए साल के मौके पर ही रसोई गैस सिलेंडर कमर्शियल वाला 25 रुपए तक महंगा हुआ था। अब इसके बाद में सीएनजी गैस भी महंगी हो चुकी है। गुजरात में अब 1 किलो गैस सीएनजी ग्राहकों को 78 रुपए 52 पैसे में मिलेगी। तो सीएनजी के बाद पीएनजी की कीमतें भी जारी हो चुकी हैं। पीएनजी भी 50 रुपए 43 पैसे में मिलने वाली है। दोस्तों इससे पहले रसोई गैस सिलेंडर कमर्शियल वाला महंगा हुआ था और अब यहां पर गैस भी महंगी हो गई है सीएनजी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जिन गरीब परिवारों के पास रहने के लिए नहीं है घर, उन्हें मुफ्त में सरकार देगी जमीन। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी यहां पर गरीब हैं तो आपके लिए सरकार की ओर से खुशखबरी दे दी गई है। अब जिन भी गरीबों के पास में अपना घर पक्का मकान रहने के लिए नहीं है, अब उन गरीबों की सरकार मदद करने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल मध्य प्रदेश में बुधवार से शुरू होने जा रहे मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना के तहत प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य के उन गरीब लोगों को मुफ्त में घर बनाने के लिए प्लॉट देने वाली है। जिनके पास में गरीबों के पास में अपना घर नहीं है, उनको सरकार ये मुफ्त में अब भूखंड देगी, मतलब जमीन देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगर आपके पास है राशन कार्ड तो सिर्फ 500 रुपए में मिलेगा रसोई गैस सिलेंडर। दरअसल दोस्तों, रसोई गैस सिलेंडर को लेकर बड़ी खुशखबरी आ रही है। जी हाँ, आपके लिए बता दीजिए कि अगर आपके पास राशन कार्ड होता है तो सिर्फ अब 500 रुपए में आपको रसोई गैस सिलेंडर मिल सकता है। इस देश में इस साल नए साल में 2023 के मौके पर विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं। यहाँ पर राजस्थान में इसी को लेकर जो है राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत की सरकार ने राजस्थान की जितनी भी जनता है सभी को अब राशन कार्ड पर सिर्फ 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का फैसला ले लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इस बैंक में अगर आप कभी है खाता तो अब हो जाएं सावधान, वरना हो जाएंगे कंगाल। असल दोस्तों, अगर आप कभी यहां पर किसी भी बैंक में खाता है तो अभी अभी खासकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI की ओर से आपके लिए एक बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। दरअसल दोस्तों, SBI की ओर से कहा जा रहा है कि अब आपका अगर इस बैंक में खाता होता है तो आपको किसी भी सुविधा का लाभ लेने के लिए अब घर बैठे ही आप बैंक को फोन कर सकते हैं 1800-1234, 1800-1210100। ये दोनों नंबर हैं जिन पर आप फोन करके आप यहाँ पर कोई भी सुविधा का ऑफर ले सकते हैं। लेकिन खास ध्यान ये रखिएगा, बैंक ने भी कहा है कि किसी भी अनजान या फिर फ्रॉड वाले नंबर पर आपको कॉल नहीं करनी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पहली बार सस्ते में मिल रहा सोना, जल्द खरीदें हाथ से वरना निकल जाएगा मौका। दरअसल अगर आप भी सस्ते में सोना खरीदना चाहते हैं तो सरकार की ओर से यहाँ पर जो है सस्ता सोना बेचना शुरू कर दिया गया है। आपको बता दी जाए कि सस्ते में सोना सरकार जो है मोदी सरकार सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना के तहत हर साल बेचती है। कुछ उसी प्रकार एक बार फिर से सरकार बेहद ही सस्ते में सोना बेच रही है। इसके अलावा गोल्ड प्राइस अपडेट को लेकर बड़ी खबर आई है, पहली बार 32,586 रुपए में 10 ग्राम सोना मिल रहा है। दोस्तों ये जो 10 ग्राम सोना मिल रहा है ये आपको 18 कैरेट वाला गोल्ड है जो कि 18 कैरेट की शुद्धता के साथ में मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सरकार फ्री में दे रही साइकिल, ऐसे उठाएं योगी फ्री साइकिल सहायता योजना का लाभ। दरअसल दोस्तों, अगर आप भी साइकिल लेना चाहते हैं, आपके घरों में साइकिल नहीं है तो सरकार अब आपको फ्री में साइकिल देने वाली है। आपको बता दीजिए सरकार की ओर से अभी अभी गरीबों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार फ्री में साइकिल देने का फैसला लिया है। ऐसे आप गरीब जिनके पास में जिनके घरों में साइकिल नहीं है, अब उन श्रमिकों मजदूरों और कामगारों को सरकार मुफ्त में साइकिल देने वाली है। सरकार की ओर से पूरे राज्य में करीब 4 लाख लोगों को साइकिल देने का फैसला लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बिजली विभाग अब पुराने मीटर लगाकर देगा बिजली का नया कनेक्शन, आदेश हुआ जारी। दरअसल दोस्तों, अगर आपके घरों में पहले से बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है तो आप तो यहाँ पर बच जाएंगे, लेकिन जो लोग अब नया कनेक्शन लेने वाले हैं सरकार ने उनको लेकर अभी अभी बड़ी अपडेट दे दी है। जी हाँ, बिजली विभाग की ओर से खबर आ रही है कि जो लोग अब नया कनेक्शन लेने वाले हैं, अब उनके घरों में यहाँ पर जो है नया बिजली का मीटर लगाने की बजाय अब पुराना मीटर ही लगाया जाएगा। बिजली विभाग की ओर से बताया गया है कि बिजली विभाग के पास में अब मीटर की कमी हो गई है, नए मीटर बनकर नहीं आ पाए हैं, इसीलिए बिजली विभाग उत्तर प्रदेश में अब पुराने मीटर लगाकर ही काम चलाने वाला है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दरअसल स्कूल कॉलेज को लेकर आया रेड अलर्ट, देश के इन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल, जान लीजिए पूरी खबर। जी हां, आपको बता दी जाए कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश समेत देश के जितने भी उत्तरी राज्य हैं सभी राज्यों को लेकर बड़ी खबर है। उत्तरी राज्य जैसे कि पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, इन सभी राज्यों में
कोरोना के साथ साथ अब यहाँ पर ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। दिनों दिन सर्दी का पारा तेजी से बढ़ता जा रहा है। इसके चलते यहाँ पर लखनऊ में, साथ ही उत्तर भारतीय राज्य जैसे कि पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, इन सभी राज्यों में भी अब यहाँ पर शीतलहर का कहर देखने को मिल रहा है। इसके चलते यहाँ की सरकार की ओर से स्कूलों को बंद करने का फैसला ले लिया गया है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सरकार ने 14 जनवरी तक सभी स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों, इस वक्त की ये बड़ी खबर है जो कि हम आपको इस पूरी रिपोर्ट में बताए हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे का ऐलान, अब अगर लेट हुई ट्रेन तो रेलवे देगा मुफ्त खाना, टिकट का पैसा भी मिलेगा वापस। दरअसल अगर आप भी रेलवे से सफ़र करते हैं, ट्रेनों में यात्रा करते हैं, तो रेलवे की ओर से अभी अभी एक बड़ी खबर दी गई है। उत्तर भारत समेत पूरे देश में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसे देखते हुए रेलवे की ओर से सभी यात्रियों को कहा है कि कोहरे और धुंध की वजह से अगर कोई ट्रेन रद्द हो जाती है तो अब ऐसे सभी यात्रियों को रेलवे की ओर से उनका टिकट का पैसा तो वापस मिलेगा ही, साथ ही फ्री खाना भी दिया जाएगा। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर रेलवे की ओर से ये अभी अभी बड़ा फैसला लिया गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो खुशी से उछल पड़े किसान, सरकार इस दिन खाते में डालेगी 13वीं किस्त के 2,000 रुपये, लेकिन इन किसानों को नहीं मिलेगा पैसा, हो जाएंगे बाहर। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें इस वक्त की ताज़ा अपडेट आ रही है, आपको पूरी खबर चलिए बताते हैं। खुशी से आप भी उछल पड़ेंगे क्योंकि किसानों के लिए सरकार की ओर से इस दिन पैसा डाला जाएगा, इसकी पूरी तारीख दे दी गई है। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दी जाए कि खुशियों का त्यौहार जल्दी यहां पर आने वाला है क्योंकि सभी किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपये आने वाले हैं। 13वीं किस्त का यहां पर पैसा सरकार की ओर से 12 करोड़ किसानों के खाते में इसी हफ्ते के आखिर तक या फिर 10 जनवरी तक खाते में भेजने का ऐलान कर दिया गया है। तो आपके खाते में जल्दी 2,000 रुपया आने वाला है। 10 जनवरी तक ये बात कही जा रही है कि मोदी सरकार सभी किसानों के खाते में पैसा डालेगी, लेकिन कई ऐसे किसान जो बाहर हो जाएंगे, जिन्होंने EKYC नहीं करवाई है, उनको पैसा नहीं मिलेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सस्ते में मिल रहा है वीवो का ये दमदार फोन, फटाफट से करवा लीजिए बुकिंग, लेकिन ये है शर्त। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर बेहद ही सस्ते में वीवो का एक 4 कैमरों वाला फ़ोन मिल रहा है। अगर आप भी कोई नया फ़ोन खरीदना चाहते हैं तो एक इस समय बम्पर सेल शुरू हो चुकी है फ्लिपकार्ट पर, जिसमें आपको 51,000 रुपये वाला फ़ोन सस्ते में मिल रहा है, जिसमें आपको महज 5,000 रुपये में ये 51,000 रुपये वाला फ़ोन मिल सकता है। आपको इसमें EMI का ऑफर दिया जाएगा, तो आप भी इसका फ़ायदा ले सकते हैं।